स्वच्छता अभियान के नाम पर एक तरफ करोड़ों रुपया खर्चा किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मुंबई के मंडाला स्थित इंदिरा नगर में लोग कचरे से बेहाल हैं। मुंबई में शिवसेना बीजेपी की सरकार साफ सफाई का ढोल पीट रही है, लेकिन मुंबई के मंडाला जैसे इलाके में लोग गंदगी में जी रहे हैं। ना ही यहाँ पर बीएमसी की ध्यान है, ना ही नगर सेविका कुछ काम कर रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ की नगर सेविका चुनकर आने से पहले बहुत वादे किए थे, लेकिन आज हम उन्हें देखने के लिए तरस रहे हैं। शिवसेना नगर सेविका सक्रे मैडम लोगों से संपर्क में नहीं है, कारण लोगों को पानी, सफाई और शौचालय जैसी बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ रही है। यहाँ के हालात देखकर इस जगह इंसानों का जीना बेहद कठिन लग रहा है। हमारे प्रतिनिधि ने जब यहाँ का लोगों से बातचीत की, तब वहाँ पर दुर्गंधी से इलाके के हालात दर्दनाक होने की पूरी तस्वीरें सामने आई है। तो पानी की पाइपलाइन कटकर गटार की पानी में बह रही है। इसी पूरे खबर का ब्यौरा किया हमारे संवाददाता सचिन गवारे। स्वच्छता अभियान पर सरकार लाखों करोड़ रुपया खर्चा करी है, लेकिन वही दूसरी ओर देखा जाए तो हम मानखुर जैसे इलाके में, जो मुंबई का एक शुरुआत जिसको माना जाता है, उस मानखुर इलाके में हम आए हुए हैं। यहाँ का जो मंडाला एरिया है, इस एरिया में इंदिरा नगर करके जो एरिया है, इस एरिया में आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह की साफ सफाई नहीं हो रही है। यहाँ के जो नगर सेवक है पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं। बच्चों के हालात है, पानी के हालात इनको झेलने पड़ रहे हैं। यहाँ पे जीने जैसा कुछ भी माहौल नहीं है। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे, दरअसल उनको क्या, किस मामले से उनको क्या, उनको दिक्कतें आ रही है। समाजवादी का नगर सेवक आया, अभी शिवसेना की नगर सेवक आई है, किसी का ध्यान यहाँ के विकास के तरफ नहीं है। उनके पीरियड में तीन बार पैसेज बना था उनके पीरियड में, दो बार नाला बना था, लेकिन उसके बाद किसी ने विकास नहीं किया। आमदार आते हैं, बोलते हैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, फलाना करूंगा, 30 दिन में पानी दे दूंगा, घर घर नल दे दूंगा, कुछ भी नहीं होता है। खासदार जो है उनका तो पता ही नहीं चलता कहाँ है, उनका पता ही नहीं चलता कि कहाँ है, कब आते हैं, कब अपने वर्करों से मिलते हैं, कब चले जाते हैं, पब्लिक को कुछ मालूम नहीं। ये जितने पार्टी वाले आते हैं अपने ऑफिसों में बैठते हैं, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं, उनसे मिलते चले जाते, आवाम से कोई मतलब नहीं है किसी को, कि आवाम कैसा जी रही है, पानी कैसा पी रही है। ये गटरों में से पाइप आया हुआ है, वही पानी हम लोग यूज करते हैं, क्या करें, कहाँ जाए, कहाँ जाए हम लोग। यहाँ एक बाथरूम है, वो उधर वाले बंद करा देंगे, कभी कभी चालू करा देंगे, जाने को लेडीजों को इतनी तकलीफ है बाथरूम की, इधर शौचालय की, कि जिसकी कोई हद नहीं है। वहाँ इतने लोग हैं, अब ये सोचिए आप कि रात में, रात बिरात अगर किसी को शौचालय जाना है तो 2 बजे के बाद आपको यहाँ पे शौचालय नहीं मिलेगा। 1 बजे धुल धुला के गेट पे लॉक हो जाता, उसके बाद शौचालय जाने की नौबत ही नहीं है। अगर इमरजेंसी है तुमको तो तुम कुछ भी करो, चाहे रोड के उस पार जाओ, चाहे कहीं भी जाओ। जिनके पास पैसा है वो घर में बना लिए, अब जो गरीब है, जिनके रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना है, वो कहाँ से बनाएगा इंसान। सरकार बोलती तो बहुत, हम शौचालय के लिए ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, फलाना करेंगे, गंदगी हटाएंगे, ये क्या है, हम लोग किस हालत में रह रहे। खासदार उनका है लेकिन कहाँ है, हम लोगों को तो कोई सहूलत नहीं है यहाँ पर। मैं इतना ही बोलूंगी कि अगर मैं तो अभी तो मैं बिल्कुल इलेक्शन का बायकॉट करने वाली हूँ, लोगों को भी वोट डालने नहीं दूंगी। सकते हैं कि यहाँ पे जो गंदगी है पूरी तरह से यहाँ पे कुछ भी साफ सफाई नहीं हो पा रहा है। ये यहाँ पे ही लोग घर पे जाना आना करते हैं, बच्चों लोग यहाँ पे रहते हैं, सब बच्चे लोग यहाँ पे, बीमारियाँ फैलती जा रही है। यहाँ के जो नगर सेविका है, शिवसेना की नगर सेविका कहा जा रही है सक्रे मैडम करके, उनके ओर से कहीं भी उनको कुछ सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। ये जो यहाँ के कई सालों से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं और ये लोग यहाँ के वोटर्स हैं, बाकायदा उनको वोट का अधिकार है, लेकिन जहाँ तक हम लोग स्वच्छता अभियान को माना जाता है, स्वच्छता अभियान पर गवर्नमेंट मोदी सरकार लाखों करोड़ रुपया खर्चा करी है, लेकिन मंडाला जैसे इस एरिया में लोगों को ध्यान नहीं दिया जा रहा, लोगों को कुछ कीमत नहीं मिल रही है। आज यहाँ पे साफ सफाई नहीं होने की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ती जा रही है और बहुत ही बेकार हालत यहाँ पे है। हम लोग नगर सेविका जो है, शिवसेना की नगर सेविका सक्रे जो मैडम है, उनके उनके इस वार्ड में आए हुए, इस वार्ड के जो हालात है बड़े ही दर्दनाक हालात दिखाए जा रहे हैं। मंडाला के इस शौचालय कई महीनों से नहीं बनाया गया, पता चल रहा है कि इस शौचालय के दुरुस्ती नहीं होने के कारण इसके खस्ता हालात मजबूरन लोग इस्तेमाल कर रहे थे।
10 महीने पहले इस शौचालय के अंदर 2 लोग फंस कर मरे हैं। इसके बावजूद भी बीएमसी ध्यान नहीं दे रही। पूरे इलाके में एक ही शौचालय था जो अब नहीं रहा। यहाँ के स्थानीय समाज सेवक रंजीत वर्मा उर्फ लालू भाई हमारे साथ है। इनसे हम जानते हैं कि क्या उनका कहना है इस सब अस्वच्छता के बारे में, क्या कहते हैं वो और किस तरह से वो लोगों से हेल्प करें और क्या उनका कहना है। लालू जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह से जो गंदगी है पूरे एरिया में, माहौल खराब है, ना ही नगर से वो काम कर पा रहे, कुछ यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे, महानगर पालिका क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जो न्यूज दत्तक बस्ती वाले हैं जो साफ सफाई करते हैं, वो हर महीने का बस्ती में 20 रुपये का पावती रूम वालों से लेते, 50 रुपया दुकानदार से, और साफ सफाई नहीं करते। जो गली यहाँ का है, जो गली है यहाँ, गली में हमने इंक्वायरी किया, लोगों से पूछा, वो लोग बोलते हैं एक हफ्ते में एक बार ये लोग साफ सफाई करने आते हैं, और रोड पे डब्बा उन लोग हफ्ते में घुमाते हैं। जब उनका महीना 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में वो लोग डब्बा घुमाते हैं, उसके बाद डब्बा वो लोग घुमाते नहीं हैं, साफ सफाई होता नहीं है। अगर कोई यहाँ की जनता नगर सेवक के पास कंप्लेन करने जाती तो वो लोग दत्तक बस्ती के लोग, उनका कहना है कि हम नगर सेवक को पैसा देते हैं, बीएमसी के अधिकारी जो हैं उनको हम पैसा देते हैं। हम सबको पैसा देने के बाद अगर पूरा हमको 10 लेबर मिला है, अगर हम 10 लेबर लगाएंगे तो हमारा कैसा पेट भरेगा। इसी वजह से ये साफ सफाई हमारे इलाके में नहीं हुआ है। आपका जो न्यूज है उनके तहत हम आवाज़ बड़े से बड़े अधिकारियों तक पहुंचाना चाह रहे कि हमारे इलाके का जो समस्या है, गटर एकदम भरे हुए हैं, मच्छर उसमें निकलते हैं, बच्चे स्कूल उसी वहीं से जाते हैं, उनको मलेरिया हो रहा है, उनको टाइफाइड हो रहा है, लोग परेशान है दवा करवा के। यहाँ तो बीएमसी का जो है कोई हॉस्पिटल नहीं है, उनको राजाबाड़ी जाना है या साइन जाना है, वहाँ उनको भर्ती लेते नहीं, क्योंकि यहाँ जो मंडाला इलाका है यहाँ उत्तर भारतीय सबसे बड़े तादाद में है, इसलिए उनका हॉस्पिटल में एडमिट करना वो नामुमकिन रहता है। हमारे यहाँ जो ये टॉयलेट पे हम लोग खड़े हैं, 3/2/2017 को 3 लोगों का देहांत हो गया इसमें गिरने से, जो टॉयलेट जर्जर हो चुकी थी। यीशु बबरानी साहब जब यहाँ के आमदार थे उनके फंड से ये बना हुआ था। अभी यहाँ जो टॉयलेट है, पूरे इंदिरा नगर में एक टॉयलेट था, अभी यहाँ के जो माता बहने हैं वो कहाँ जाएंगे? अगर 2 बजे रात को एक है वो 20 फुट पे बाथरूम, वो भी 12 बजे 1 बजे बंद कर देते हैं, तो लोग यहाँ कहाँ जाएंगे? खासदार के पास जाओ वो भी सुनता नहीं है, आमदार के पास जाओ तो बोलते गयासु भाई को बोल दो। जो नगर सेवक है, वचन पूर्ति का उन्होंने बोर्ड तो लगाया पूरा इलाके में, लेकिन स्वच्छता अभियान या कुछ भी काम उन्होंने कहाँ क्या फंड लगाया बताए अभी तक का कि हमने ये फंड लगाया है इस इलाके में? सबसे पहले इलाके का फंड नहीं आने के बाद साफ सफाई का काम होता है, कितना साफ सफाई आप खुद देखिए। यहाँ पे लोगों को इतना तकलीफ है बाथरूम का कि लोग यहाँ से रोड क्रॉस करके पीएमजी में, मोहिते पाटिल में लोग जाते हैं, लेकिन मंडाला में एक टॉयलेट नहीं है, 1-20 फुट पे है, वो भी कभी बंद रहता है कभी चालू रहता है। नगर सेवक जीते हुए पहला आके वो टॉयलेट ही उन्होंने बंद करवाया था, बाद में उनको कुछ पैसा मिलने के बाद लोग बोलते हैं मैंने तो देखा नहीं। लोगों का कहना कि उन्होंने 2 लाख रुपए लेके वापस चालू कराया, नहीं तो सबसे जीतने के बाद पहला बाथरूम उन्होंने बंद करवाया था कि लोगों को तकलीफ है। अभी जब उनको लोग बोलते हैं कि उनको पैसा मिल गया इसलिए वो बाथरूम चालू हो गया, तो बोलते जब उनको पैसा मिल गया नगर सेवक चुन के आने के बाद, हम लोग को मिलना चाहिए ना, इसीलिए लोग झगड़ा वहाँ रोज होता है, कभी महीने में 10 दिन चलता है, कभी 5 दिन चलता है, कभी बंद रहता है कभी चालू रहता, लोग रोड क्रॉस करके जाते हैं मोहिते पाटिल में टॉयलेट के लिए। इतने बड़े बड़े बच्चे कहाँ जाएंगे? गंदगी नहीं होगा इलाके में तो क्या होगा? यहाँ की समस्या यही है। अभी नगर सेवक ने जब से जीतने के बाद 1 साल होने को आया, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर सरकार करोड़ों रुपया खर्चा करी, लेकिन वही दूसरी ओर मंडाला जैसे एरिया में आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है ना ही यहाँ पे सही शौचालय है, ना ही बच्चों के लिए स्कूल है, ना ही हॉस्पिटल है। ऐसे दर्दनाक एरिया में लोग रह रहे हैं, किसी हालात में लोग जी रहे हैं। यहाँ पे आज हमारे पूरे मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना बीजेपी की सरकार है, फिर भी इस एरिया में कुछ तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्थानीय लोगों का आक्रोश आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग आक्रोश जता रहे हैं। यहाँ के जो हालात है सही में दर्दनाक हालात है।